नमस्कार, मेरा नाम शोभ और मैं इंडियन हेयर वॉल से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत दिन के बाद आया हूँ मैं। नॉर्मली मैं उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता हूँ आजकल वीडियो लेके आपके पास, ऑल्दो हमारे काम का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जो मेरे रीज़न इतना कम आने का वो ये है कि मैं बस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके ही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा काम देखो, आपको हमारा काम कैसा लगता है आप हमें बताओ, ताकि हम उस पर इम्प्रूव कर पाए। तो आज का जो ये वीडियो मैं लाया हूँ आप सबके लिए, वो एक ऐसा ही टॉपिक का वीडियो है जो नॉर्मली आजकल कस्टमर्स लगाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता कि क्या वो चीज़ उन पर सूटेबल है या नहीं है। तो जो रीज़न है आज मैंने वीडियो बनाने का, वो है जस्ट हेयर लाइन पैच का वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक हेयर लाइन पैच है। तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि उनको जस्ट सामने का हेयर लाइन पैच लगाना है। तो ये वीडियो उन सारे कस्टमर्स के लिए जिनको हेयर लाइन पैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर वो जानना चाहते हैं कि क्या वो एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि दो या तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक हेयर लाइन पैच लगाने से पहले। पहले उस इंसान का एग्जिस्टिंग डेंसिटी कितना स्ट्रांग है। अगर उनका मिडिल पार्ट में हेयर है ही नहीं और वो सोचते हैं कि जस्ट हेयर लाइन पैच लगाने से वो कवर हो जाएगा, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज मैं तो शायद लगा दूं, लेकिन वो एक डेंसिटी के साथ जाके जो डेंसिटी बनता है, जो होल्ड बनता है, वो नहीं होता वैसा। तो मेन रीजन जो हेयर लाइन पैच के साथ आपको चाहिए वो है आपका बीच का जो डेंसिटी है वो अच्छा रहे, जो नेचुरल हेयर है वो स्ट्रांग रहे, तभी जाके एक अच्छा लुक आता है विद हेयर लाइन पैच। तो आज आपके सामने अभी एक पिक्चर आप देख रहे हो, ये कैंडिडेट एकदम राइट कैंडिडेट है फॉर ए हेयर लाइन पैच। बिकॉज जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो पिक्चर है, इसमें आप शायद देख पा रहे हो कि इनका जो बीच का हेयर है वो काफी स्ट्रांग है, जिसके वजह से अगर हम इनके सामने हेयर लाइन पैच लगाएंगे तो वो बालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये एक और पिक्चर मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे नीचे। तो ये एक ऐसे कस्टमर का पिक्चर है जो एक हेयर लाइन पैच के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। तो इनके पास अगर मैं हेयर लाइन पैच इनको मैं लगाऊंगा तो इनके पास वो हेयर स्ट्रेंथ नहीं है जो जाके मिक्स हो जाएगा और वो एक स्ट्रेंथ वाला फील आएगा या फिर स्ट्रांग लुक वाला फील आएगा। बिकॉज कोई भी हवा देगा ये कस्टमर का बाल फिर आगे आ जाएगा और पूरा बेस दिखने लगेगा। तो जैसे कि मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं हेयर लाइन पैच लगाने से पहले। पहला बात, आपका एग्जिस्टिंग हेयर को स्ट्रांग होना पड़ेगा, काफ़ी मजबूत होना होगा और अच्छा डेंसिटी चाहिए ताकि हेयर लाइन पैच अच्छा लगे आपके ऊपर। अगर आपके बीच में हेयर नहीं है और अगर आपको हेयर लाइन पैच लगाना है तो वो सही नहीं होगा आपके लिए। जैसे कि बहुत वैरायटी ऑफ हेयर लाइन पैच आता है, जैसे कि आप ये पैच देख पाओगे, इसे आप देखोगे इसका हेयर लाइन काफी शानदार आता है। अगर हम लोग हेयर लाइन पे लगाएंगे तो काफी शानदार लुक आता है इसका। ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके क्राउन एरिया में हेयर्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि क्राउन एरिया के लिए भी पैच आते हैं हमारे पास। ये देखिए छोटा छोटा पैच आता है क्राउन एरिया का, ये हम कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू अ कस्टमर्स बॉल्ड एरिया। जैसा बॉल्ड एरिया उनका होगा उस हिसाब से हम ये कस्टमाइज करके क्राउन एरिया में लगा देते हैं। अगर आप देखोगे तो ये पॉली का स्किन बेस में आता है, आप पूरा स्किन देख पाओगे इसका। तो एक और चीज जो हर कस्टमर को जानना चाहिए या फिर वो जानना चाहते हैं कि क्या प्राइस होता है एक हेयर लाइन पैच का। तो हमारे पास तीन या चार क्वालिटीज है। हमारे यहाँ पे हेयर लाइन पैच स्टार्टिंग प्राइस है 6000 में, ये है आपका 6000 वाला क्वालिटी।
166,000 वाला क्वालिटी है। ये पॉली का बना हुआ है, ये आपका 8,000 में आ जाता है आपका। जैसे कि आप ये क्वालिटी देख पा रहे हो, ये क्वालिटी आपका 10,000 में आता है। तो तीन रेंज में आपको मिल जाएगा, 6,000, 8,000 और 10,000। सारे क्वालिटीज अच्छे होते हैं, आप आइए हमारे पास, हम देखेंगे आपको और बेस्ट सर्विस आपको देंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, वो एक सिमिलर हेयर लाइन पैच का ही वीडियो है, जहाँ पे आप देख पा रहे कि एक परफेक्ट कैंडिडेट किसे बोला जाता है हेयर लाइन पैच के लिए। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस देख पाओ और आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, आप सब सेफ रहो और हैप्पी रहो।